डॉक्टर सुनील जोगी को सुनने के लिए एक बार हाथ उठा के ताली बजा के आमंत्रित करें, डॉक्टर सुनील जोगी, दिल्ली, भारत, दुनिया, ब्रह्मांड। सरिता जी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे जूते उतारने का निर्देश दिया। भारत में उतारो तो इतनी देर में चले जाते हैं, अच्छी बात है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको हिंदी दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का एक ऐसा उत्सव नहीं, हिंदी का महोत्सव, जिसकी चर्चा आज पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में है कि ऐसा हिंदी दिवस, ऐसे कार्यक्रम जो हिंदी अंतर्राष्ट्रीय समिति करती है। मैं आदरणीय नंदलाल जी, आदरणीय आलोक जी और इससे सब जुड़े हुए लोगों, संगीता जी, बहुत से लोग हैं जिनके नाम मैं लूंगा तो मेरे काव्य पाठ का समय जाएगा। अच्छा, मैं उन सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ और चाहता हूँ आप एक बार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। निश्चित तौर पर जो आने वाला समय है वो दुनिया के लिए हिंदी का समय है और हिंदुस्तान का समय है। आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए, जैसे गजेंद्र सोलंकी जी बहुत पॉजिटिव आदमी है। अभी हम होटल में सूप पी रहे थे, सूप में मक्खी पड़ गई। मैंने कहा, गजेंद्र भाई आपके सूप में मक्खी पड़ी है? बोले, पड़ी रहे दो ससुरी, कितना पी लेगी। तो मुझे लगा कि आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए। मेरे स्वागत में आपने जो घनघोर तालियां बजाई हैं, मैं उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इससे तो पहले वाली ठीक थी, ऐसा ना लगे कि आप थक गए। यात्रा हम करके आए, भारत से थक आप जाएंगे, ठीक है। आपके दोनों हाथ कवियों के साथ होने चाहिए। बहुत अच्छा। और जो लोग उधर स्क्रीन पे कविता का आनंद ले रहे हैं, उनसे भी मैं कहता हूं कि मैं केवल सुनने लायक नहीं, देखने लायक भी हूं। आप अगर मुझे इधर से देखेंगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। कुर्सियां घुमा ले तो अच्छा है, इतनी दूरी नहीं है जितनी आपने बना रखी है। अपनी अपनी चॉइस की बात होती है जो कि सरिता जी ने भी बहुत शानदार श्रेष्ठ काव्य पाठ किया, एक बार उनका भी सम्मान करें, बहुत बड़ी कवित्री हैं देश की, सबने बहुत अच्छा। उसके बाद हमारे डॉक्टर सुरेंद्र दुबे, ब्लैक डायमंड, काले रंग में भी खूबसूरती हो सकती है, ये आप उनमें देख सकते हैं। अर्चना पांडा जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा सुनाया। मैंने उनसे कहा, इतना अच्छा लिखती हो, इतनी सुंदर दिखती हो कैसे? बोली, मुझे ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। और मैंने कहा, मुझे क्या गूगल से डाउनलोड किया, मैंने पूरी बनाया। मोदी जी ने कहा, सबका साथ सबका विकास, इसलिए मैं सबके हाथ अपने साथ चाहता हूं। जो लोग हाथ अभी भी बांध के बैठे हैं उनके लिए एक शेर पढ़ता हूं, वो शेर महफिल के लिए भी जरूरी है और जिंदगी के लिए भी जरूरी है। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पर शेर लिखा था, वो शेर जो लोग समझ जाएं वो मुझे बताएं। ओपन हार्ट सर्जरी के बाहर लिखा था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये जो आपके हाथों में, कभी लोग कहते हैं तालियां बजाओ, इसलिए कहते हैं कि उन्हें आपके स्वास्थ्य की चिंता है और आपको मेरी नहीं बल्कि बाकी सबकी चिंता है। पिछले 1.5 घंटे से कभी कविता पढ़ रहे हैं, किसी ने चाय पानी को नहीं पूछा। बस ये कृपा करें आप, बैठो बैठो, अब लाना भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि इधर के लोग भी खाएं पिए। लेकिन बहुत बढ़िया, देखो कहां तनाव हो जाए, हर जगह जिधर देखो अपने अपने में लोग व्यस्त मस्त है, कोई खा रहा है, कोई स्क्रीन में देख रहा है, भाभियां आपस में बात कर रही हैं, इतनी महिलाएं चुप बैठी हूं, ये भी एक आश्चर्य की बात है। बात करने की जितनी क्षमता महिलाओं में है पूरी दुनिया में किसी और प्राणी के पास है ही नहीं। दो महिलाएं आम के पेड़ के नीचे आलू की बात कर रही थी और वो कच्चे आम लगे हुए थे, काफी देर बात करती रही तो एक आम कच्चा ही गिर गया।
तो दोनों महिलाएं उसकी तरफ देखी, बोली ये कैसे गिरा, क्यों गिरा, तो आम से आवाज आई कि मैं पक गया। इतनी बातें आज चुनाव में मुझे तो प्रणाम करता। अभी मुझे देखिए, मैं एक बार शुरू हो जाऊंगा जब मुझे लगेगा सब मेरे साथ है। अभी तो मैं टेस्ट ट्रायल ले रहा हूं, धीरे धीरे मैं जानता हूं। आगे बैठे लोगों से कवि सम्मेलन को बहुत खतरा होता है, ज्यादा आगे ज्यादा बौद्धिक लोग बैठते हैं। भारत में ऐसा होता है, यहां तो खैर सभी बौद्धिक हैं। तो हमने एक परीक्षण कर रखा है, आगे बैठे लोग कौन से होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। ये किसने मंगाया, ये स्वयं सेवा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छा प्रबंध आप कर रहे हैं, और भी कुछ लाइए। मेरी कुंडली में लिखा है कि जब जब मैं अच्छा काम करूंगा ऐसी विघ्न बाधाएं कुछ आत्माएं डालूंगी। आपकी व्यवस्था कहीं मेरी अव्यवस्था ना बन जाए। बहुत अच्छा, कृपया जाए ये। लेकिन मुझे अभ्यास है, मैं ऐसे लोगों को बड़ा धन्यवाद देता हूं कि आज के समय में कोई किसी को पानी कहां पिलाता है। थोड़ा सा ध्यान भंग होता है और कुछ नहीं है। आगे बैठे लोग तालियां कम बजाते हैं, उल्लास में कम रहते हैं। वो तालियां तब बजाते हैं जब पीछे वाले ताली बजा के हंस के निपट चुके होते हैं, तब वो सोचते हैं कोई खास बात तो है ये, चलो अपन भी थोड़ा सा बजा दे। ये कौन लोग हैं आगे बैठे, बड़े बड़े प्रोफेसर, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े लोग। अगर 10 पैसे बंधी हो किसी बाड़े में, किसी मजदूर किसान से पूछो कितनी पैसे बंधी है, तो मुंडी गिन के बता देगा कि साहब 10 पैसे बंधी। लेकिन किसी आप विद्वान से पूछो, मैथ के प्रोफेसर से पूछो, बड़े साइंटिस्ट से पूछो, मुंडी गिनेगा ही नहीं, वो टांगे गिननी शुरू करेगा। क्योंकि उसे ये दिखाना है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, आराम से समझ बूझ के आंकड़े देख के काम करता हूं। टांगे गिनेगा और टांगे गिनने के बाद 4 का भाग देगा, डिवाइडेड बाई 4। और अगर कहीं वो राहुल गांधी की तरह और ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ तो गूगल पे सर्च करके कंफर्म करेगा कि भैंस के कितनी टांगे होती हैं, और गलती से एक टांग छूट गई तो आपको बताएगा कि भाई साहब 9.75 भैंसे। तो जो भी ताली नहीं बजाते मैं समझ जाता हूं ये 9.75 वाली। बड़ा आसान है, तनाव का युग है, कहां तनाव हो जाए। मैं बनारस गया तो पंडित आपस में लड़ रहे, मैंने कहा पंडित हो कि आपस में क्यों लड़ रहे हो, तो दूसरे ने बताया कि जब इसे पता था कि मैं लहसुन और प्याज नहीं खाता हूं तो मेरे चिकन में डालने की जरूरत क्या। ये भाषा है जो हंसाती है। नवरात्र का व्रत छोड़ के रमजान हो गए, नवरात्र का व्रत हो गए, खुशबू लगा के इत्र की दुकान हो गए, इस्लाम में है 4 बीवियों की इजाजत, ये सुनते ही पंडित जी मुसलमान हो गए। ये भाषा का आनंद है। हरियाणा में एक आदमी बैंक में जाके सो गया तो मैनेजर ने जगाया, ये बैंक है कोई सोने की जगह। बोले साहब आपने बाहर बोर्ड लगा रखा है कि हमारे यहाँ बैंक में सोने पर लोन मिलता, मेरा नंबर है तो जगा देना। ये भाषा का आनंद है। जगह जगह हास्य बिखरा पड़ा था। मेरी जब पहली बार शादी हुई, पहली बार ही हुई, एक ही बार शरीफ आदमी की एक ही बार होती है, और मैं पहली बार ससुराल गया तो मैंने बहुत सुंदर साली को देखा, बहुत सुंदर साली देखी तो सास से बहुत झगड़ा किया। मैंने कहा जब आपके घर में रसमलाई थी तो मेरे को दही बड़ा क्यों पकड़ा थी। जय हो योगी जी। अब वही आदमी ताली बजा रहे हैं जो दही बड़े पता चलता है। ये तो अभी भी कुछ लोग हंस नहीं रहे। ये देखिए जो हंसी है वो आपके स्वास्थ्य का बैरोमीटर है। डॉक्टर जैन साहब बैठे हैं, स्वास्थ्य का बैरोमीटर है। अगर आप हंस नहीं रहे हंसी की बात पर तो या तो आप बीमार हैं या बहुत जल्दी अस्पताल पहुंचने की तैयारी।
अगल बगल देखते रहो कौन सा आदमी नहीं हंस रहा है, आप समझ लो कि इसका प्रोग्राम शुरू होने वाला है। बड़ा आसान तरीका है ये समझने के लिए, ये नई उम्र की लड़कियां कॉलेज के जमाने में किताबों में फोटो रखती हैं सलमान खान का, विराट कोहली का, बाद में इनकी शादी किसी जेठालाल से हो जाए। हिंदुस्तान बड़ा अद्भुत देश है, बड़ा मजेदार देश है। 100 नंबर डायल करो, पुलिस आती है, 100 रुपए दो, चली जाती है। बड़ी सुविधा वाला देश, बहुत सुविधाएं, ऐसा अद्भुत देश होता है हिंदुस्तान में। ऐसा मुझे भी मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी तो मर्सिडीज खरीदनी थी मुझे, तो मैं मर्सिडीज के शोरूम में गया तो 2 रुपए कम पड़ गए नंदा जी। तो मैंने कंपनी वालों से कहा, मैंने कहा 2 रुपए कम है, डिलीवरी दे दो। बोले नहीं, कंपनी का नियम है पूरा पेमेंट तभी डिलीवरी। मैंने कहा भाई 2 रुपए के चक्कर में मेरी मर्सिडीज मत छोड़ो, घर वापस जाना है। बोले नहीं। मैं वापस मायूस होकर लौट रहा था तो मेरे एक मित्र मिल गए, हिंदुस्तान का आदमी आप जानते ही हो। बोले यहां कैसे? मैंने कहा भाई साहब 2 रुपए देना, मर्सिडीज लानी है। उन्होंने मुझे 4 रुपए दिए, बोले मेरे लिए भी ले। तालियां बहुत कमजोर बजा रहे हैं, मैं थोड़ा सा और आनंद आपके बीच बरसाना चाहता हूं। मैं जब गजेंद्र की तरह बैचलर था तो वो क्या है कि मेरे कमरे में बहुत सारे मच्छर थे, बहुत मच्छर थे, और वो मेरा खून पीते थे, खून चूसते थे। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई सारे मच्छर मेरा कमरा छोड़ के भाग गए। तो मैंने भागते हुए मच्छर को पकड़ के पूछा कि भाई वापस क्यों जा रहे हो, मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? तो उसने कहा कि हम लोग तो टेम्परेरी थे। आपने तो परमानेंट इंतजाम कर ही लिया है, अब मेरे लिए कहां बचेगा। लेकिन महिलाओं की जो शक्ति है ईश्वर ने उन्हें दी है वो अद्भुत है। वो पति पत्नी पार्टी में व्यस्त थे, खाने पीने में आराम से पति दोस्तों के साथ खड़ा था, तो पत्नी ने उसे इशारे से बुलाया, दौड़ के आया, हाँ हाँ क्या हुआ, क्यों बुलाया? तो पत्नी ने कहा वापस जा, मैं तो उंगली की पावर चेक करूं। तो जितने यहाँ पति बैठे हैं जीवन में एक बार उनको यह अनुभव जरूर हुआ होगा उंगली की पावर क्या होती है। प्रेम भी हंसाने का काम करता है, भाषा बदल रही साहब। आजकल बिहार में किसी को फोन करो, रिंगटोन ऐसे लगा रखी है लोगों ने। मैंने फोन किया तो बोले जिस उपभोक्ता को आपने फोन लगाया है वो अभी गुटखा खाने में व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर इंतजार करें या दोबारा। मैं प्रेम से हास्य निकालता हूँ, बहुत सारे रंग में राजनीति के बीच भी रहता हूँ, थोड़ी थोड़ी झलकियां देता हूँ पहले दौर में। मेरे साथ ताल के साथ सुनेंगे तो और अच्छा लगेगा। मैंने कहा कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्करा दो बदनसीबी भाग जाएगी। आपके हंसी के साथ केवल आपका भाग्य, केवल आपका स्वास्थ्य नहीं जुड़ा होता, आपके तमाम ग्राहक, आपके तमाम क्लाइंट्स, आपके घर परिवार दोस्त सब आपकी एक मुस्कुराहट का इंतजार करते हैं कि आप हंसते हैं तो उन्हें लगता है सब ठीक चल रहा है। कि पसीने की करो पूजा गरीबी भाग जाएगी, जरा सा मुस्करा दो बदनसीबी भाग जाएगी, जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी, जो चेहरे पर हंसी होगी पड़ोसन गाल चूमेगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीबी भाग जाएगी। दुखी आदमी के साथ कोई रहना नहीं चाहता। मैं दिल्ली में हूं, केजरीवाल जी की सरकार जब आई तो मैंने 4 पंक्तियां कही, आप आनंद लेना, मैं कविता शुरू करता हूं, सब ताल दे सकते हैं, आखिरी लाइन गा सकते हैं, मैं इसको महोत्सव को हास्य का बड़ा उत्सव बना के जाना चाहता हूं। और मेरा दावा है मैं आपको बिल्कुल नचा दूंगा, अभी आप थोड़ी देर, अभी मैंने शुरू ही कहां किया, और बढ़िया वाला तो मैं भी सुना ही नहीं रहा हूं, शुरुआत करता हूं। के धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, मैं इंतजार कर लूंगा। धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, तुम्हारे आदमी को मैसेज बहुत आते हैं कि शादी क्यों नहीं कर रहे। के धरने पे बैठ बैठ के धनवंतरी हुए, वो आम आदमी के हृदय तंत्री हुए, हम चीख चीख करके संतरी न बन सके।
एक पंक्ति लग जाए दिल पर तो सबके हाथ उठे कि हम चीख चीख करके संतरी न बन सके, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए, वो खास खास करके मुख्यमंत्री हुए, वो खास। हालांकि खांसी काफी लंबी थी, चार पंक्तियां प्यार से सुनाता हूं। कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, क्या बात, ये देखो दर्द वहां है। कि एक लड़की प्यार में मेरी तकदीर हो गई, मैं राजा बना वो हमारी हीर हो गई, मैं राजा बना वो हमारी हीर हो गई। कते इतने मैंने प्यार के इजहार में लिखे, वो रद्दी बेच बेच के अमीर हो गई। क्या बात है, वाह वाह वाह। आखिरी लाइन आप हमारे साथ गा भी सकते हैं, और वो जो ऐसे बजाते हैं ना उसे ताली नहीं झुंझुना कहते हैं, वो झुंझुना ना बजाए, ये ब्लॉकेज यहां से खुलेंगे भाई, खुद ताली बजाओगे तो खुलेंगे, झुंझुने के ब्लॉकेज थोड़ी खुलेंगे। ये हाथों में पॉइंट्स है, स्वामी रामदेव जी ने कहा, रामदेव जी आप जानते हैं कितने ज्ञानी आदमी है, मेरी पत्नी वो पतंजलि की मैगी खरीद के लाई, नूडल्स जो मैगी बंद करने के बाद, रामदेव जी ने मुझसे बोली, रामदेव जी ने मैगी जो निकाली है वो खरीद के लाई हूं, कैसे खाने है मुझे मालूम नहीं है। मैंने कहा स्वामी रामदेव जी ने निकाले हैं, एक नाक बंद करो दूसरे से खींचो, साथ में अनुलोम विलोम भी होना चाहिए, तालियां मिलकर बजाएं, मैं धीरे धीरे जुड़ना चाहता हूं। आदमी हमेशा टेंशन में बैठा है, बिल्कुल ऐसे देखो टेंशन में बैठे, ऐसे ही एक मित्र मेरे टेंशन में बैठे, मैंने कहा भाई साहब क्या तनाव है क्या टेंशन है, बोले मेरा अफेयर टूट गया है, मैंने कहा फिर क्या हुआ, बोले मैं प्रेमिका को भूल जाना चाहता हूं, मैंने कहा भूल जाओ, बोले उसका नाम नहीं याद आ रहा। टेंशन पे टेंशन, हर जगह तनाव था, हर जगह तनाव, मैं तो मंदिर गया आदमी जाता है भगवान तक को टेंशन दे के आता है, मैं मंदिर गया और मंदिर जाते हुए भिखारी बैठे रहते हैं, तो एक भिखारी को मैंने 100 का नोट दिया, तो उसने कहा भगवान तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, ये पुरानी बात है, लेकिन मैंने कहा मैं तो अभी कुंवारा हूं, बोले बाबूजी मैं चप्पलों की जोड़ी की बात कर रहा हूं, वो सलामत रहनी चाहिए। जोगी जी क्या बात है, तेरे सर तनाव पाल के क्यों बैठे, हर आदमी जाता है दूसरे को तनाव दे के चला आता है, हर आदमी बिल्कुल ऐसे ही दुखी आदमी बैठे सामने, मैंने कहा क्या टेंशन है, बोले टेंशन ये है कि एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी, मैंने कहा हो जाएगी तुमको क्या टेंशन है, तुम तो अभी जवान हो तुम कहां खत्म हो रहे हो, बोले नहीं एक दिन धीरे धीरे सब चले जाएंगे सब मर जाएंगे, मैंने कहा हाँ, बोले मेरी टेंशन ये है कि जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको लेके कौन जाएगा, कहां तक टेंशन पाले बैठे, भगवान के दरबार तक में जाते भगवान प्रकट हो गए, 80 साल के दादाजी भगवान के सामने, बोले प्रभु भगवान प्रकट हो गए, बोले क्या चाहिए, बोले मैं और जीना चाहता हूँ, बोले 80 साल हो गए कितना जीना चाहते हो, बोले और जीना चाहता हूँ, ले कितना, बोले मैं अपने पोते की बारात करके मरना चाहता हूँ, भगवान ने कहा अवसर क्या है, बोले टेंशन ये है कि अभी मेरी खुद की शादी नहीं हुई, और वो टेंशन भगवान को शुरू हो गई, कब इनके लिए क्या इंतजाम करें 80 साल में कि ये पोते की बारात देख सके, कृपया तनाव छोड़ दें, आज की शाम ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति का जो महोत्सव है उसके एक एक क्षण को, चाहे वो कविता का क्षण हो चाहे वो हास्य का क्षण हो चाहे देशभक्ति का क्षण हो, पूरी शिद्दत से जीजिए, बिल्कुल सारा तनाव छोड़ के बैठिए, तब आपको आनंद आएगा, यही मेरा एक अनुरोध है। मैं भी बहुत सारे रंगों की कविताएं लिखता हूँ, बहुत तरह की बातें करता हूँ, मैंने कहा कि मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, मुल्ला के ना पंडित के अरमान में रहता हूँ, साहिब मैं गरीबों के ईमान में रहता हूँ, पूछा जो मैंने रब से अपना पता बता दे, बोला कि मैं लोगों की मुस्कान में रहता हूँ। भाषा साथी है साहब, मुझे जब सम्मान मिला पद्मश्री तो लोगों ने कहा कि मिठाई खिलाओ, जगह जगह मशीनें लग गई हैं, एयरपोर्ट पे स्टेशन पे सब जगह मशीनें लगी हैं, एक दबाओ हिंदी में सुनने के लिए फला करो टिका, आप वो जी भुगतते हो, भारत में भी यही हो गया है। मैंने मिठाई के लिए हल्दीराम को फोन लगाया तो आवाज आई मशीन की रिकॉर्ड है, हल्दीराम में आपका स्वागत है, मिठाई के लिए एक दबाएं, रेवड़ी गजक के लिए दो दबाएं, नमकीन के लिए तीन दबाएं, मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने फिर एक वाला बटन दबा दिया, फिर आवाज आई लड्डू के लिए एक दबाएं, काजू बर्फी के लिए दो दबाएं,
जलेबी के लिए 3 दबाएं, मुझे लड्डू चाहिए थे मैंने फिर एक वाला बटन दबा दिया, फिर आवाज आई बूंदी के लड्डू के लिए 1 दबाएं, मोतीचूर के लड्डू के लिए 2 दबाएं और मेवे के लड्डू के लिए 3 दबाएं, मुझे बूंदी के चाहिए थे मैंने फिर 1 दबा दिया, फिर आवाज आई 1 किलो के लिए 1 दबाएं, 10 किलो के लिए 2 दबाएं और 100 किलो के लिए 3 दबाएं, वो गलती से मेरे को 3 वाला बटन दब गया, मैंने कहा ये तो लफड़ा हो गया, मैंने रिसीवर ही रख दिया, लेकिन वो पलट के 5 मिनट में ही फोन आ गया किसी महिला का, असली वाली महिला का, बोले हल्दीराम से बोल रही हूं, अभी अभी आपके यहां से 100 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया गया है, माल तैयार है, कहां भिजवाएं, अब मैं आज से कभी हूं आनंद लेना आप समझ जाए तो। मैंने कहा मैडम मैंने तो कोई फोन किया नहीं, हम घर में 9 भाई बहन हैं, बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाएं, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाएं और जब तक सही आदमी ना मिले दबाती जाएं, आप एक बार जोरदार तालियां बजाएं, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये भाषा है जो हंसाती है, भाषा के रंग। अब मैं प्रेम पे था, मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं, आखिरी लाइन आप गाएंगे तो भी अच्छा लगेगा। प्रेम अलग अलग व्यक्ति को होता है तो उसकी भाषा अलग अलग। अब मान लीजिए ये प्रेम किसी सरदार जी को हो, उनकी भाषा देखो कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे, प्रेमिका को लिखते हैं ना प्रेम में, भाषा देखो कि ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे, कीर्तन चालू रखें अच्छा, हाँ 1 2 ऐसे करना है, बड़ा आसान, जैसे बाबू जी पराठा बनाते हैं ऐसे। ये दिल तुम्हारे प्यार में हम हारे मिलेंगे, मक्के दी रोटी साग दे चटकारे मिलेंगे, शादी हुई तो घर में पंच प्यारे मिलेंगे, घर ना हुई तो शाम दे गुरुद्वारे मिलेंगे, घर ना हुई तो शाम दे गुरुद्वारे। ये लाइन आपकी थी, 4 पंक्तियां और सुनिए, किसान को प्रेम हो जाए, अब उसकी भाषा दे कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, जब मुझे लगेगा कि आप थकने लग गए हैं तो मैं थोड़ा संक्षिप्त कर दूंगा, कि पहले तो जा रही थी जिंदगी ये सेत में, मैं हल चलाता फिर रहा था सूखी रेत में, जब से हुआ है प्यार लग रहा है इस तरह, तुम बन के भैंस घुस गई हो दिल के खेत में, तुम बन के भैंस घुस गई हो। ये भाषा का आनंद है। मैं मोबाइल पे बात कर रहा तो मुझसे दुबे जी ने पूछा, सुरेंद्र दुबे जी ने, किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा बीबी से। बोले आधे घंटे हो गए इतनी देर बीबी से बात? मैंने कहा हाँ मेरी थोड़ी है, किसी और की है तो क्या दिक्कत। बोले पत्नी इज्जत नहीं करती, घर का सारा काम मुझसे करवाती है, झाड़ू पोछा चौका बर्तन सब मुझे करने पड़ते हैं, मैं करूं तो क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत करो, 2-4 घर और पकड़ लो, हमसे पूछो तरीके, बड़ा आसान तरीका है। मैं तो सुरेंद्र दुबे जी से मिलने गया घर साहब, तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा देखिए बच्चा एक घूम रहा था वहां, तो मैंने कहा सुरेंद्र जी बिल्कुल आपके जो बेटे की शक्ल है बिल्कुल आप पर गई है। तो इन्होंने मुझसे कान में कहा धीरे बोलो यार, नौकरानी का है, मेरे घर तो खेलने आया था। संकट तो प्यार का सिलसिला चल रहा है। मैं 4 पंक्तियां और सुनाता हूं, सब्जी वाले को प्रेम हो जाए, हो सकता है किसी को भी हो सकता है, उसकी भाषा देखना कि चाहत का तेरी हर घड़ी अंदाजा रखूंगा। अभी मैंने बढ़िया वाला नहीं शुरू किया है, 4.975 कि चाहत का तेरी हर घर, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जैसे खुद को मुगले आजम और मुझे अनारकली समझ, आदत नहीं छूट सकती कि चाहत का तेरी हर घड़ी अंदाजा रखूंगा, इस दिल का खुला हर घड़ी दरवाजा रखूंगा, ये बात कही प्रेमिका से सब्जी वाले ने, पानी छिड़क छिड़क के तुझे ताजा रखूंगा।
प्रोफेशन जो है वो पानी छिड़क छिड़क के तुझे, हाँ गाइए, बोलिए नहीं गाइए, हाँ मैं बोलूंगा, आप ताली बजाएंगे, बस हंसेंगे ताली बजाएंगे, खड़े होके बजाइए, लेट के बजाइए, ताली बजाइए, आनंद लीजिए, बोलना मुझे, अलग अलग आदमियों को प्यार हो जाए। अब देखिए मधु जी बैठे हैं हमारे आदरणीय श्रद्धेय मधु, इनको मान लो हो जाए, मुझे आखिरी लाइन आप गाया करिए, आनंद आएगा कि आई हो बुढ़ापे में ये मन मीत की तरह, आनंद लेना आप, मैंने अभी अभी लिखी है बैठ के, इनके बगल में बैठा था, मैंने कहा इनपे भी कुछ होना चाहिए कि आई हो बुढ़ापे में मन के मीत की तरह, इस उम्र में लगती हो शिला जीत की, थोड़ा समर्थन और बढ़ाएं, मैं उसे दस गुना और कर दूंगा, आप निश्चिंत रहें कि आई हो बुढ़ापे, दो पंक्तियां जो लोग समझ जाएं उनके हाथ उठे, आनंद लेना ताजा, कि आई हो बुढ़ापे में मन के मीत की तरह, इस उम्र में लगती हो शिला जीत की तरह, मैं कवि हूं मेरी जान कोई बाबा नहीं हूं, संभालना, कि मैं कवि हूं मेरी जान कोई बाबा नहीं हूं, पर प्यार करूंगा मैं हनी प्रीत की, चार पंक्तियां और सुनाता हूं। हमारे यहां योगी जी की सरकार जब आई तो उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड चलाया, पता ही होगा, उससे भी मैंने हास्य निकाला, मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने ये क्यों चलाया एंटी रोमियो, तो उनका जवाब सुना कि वादा जो कर लिया है वो तैयार रहो, ये तो दुतरफा मामला है, मैं गाना गा रहा हूं तबला आपको बजाना है, योगी जी का जवाब सुनना कि महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, चाहत के समंदर में उतरने नहीं दूंगा, महबूब की गलियों से गुजरने नहीं दूंगा, एक रोमियो से योगी जी ने बात ये कही, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया तुम्हें करने नहीं दूंगा, जो मैंने ना किया तुम, डॉक्टर साहब बैठे, बहुत सारे डॉक्टर यहां होंगे, डॉक्टर को प्रेम हो जाए उसकी भाषा कि वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, वादा जो कर लिया है वो तुझसे निभाऊंगा, तू है करीब दिल के नहीं भूल पाऊंगा, एक डॉ प्रेमिका से बात ये कही, शादी के बाद भी तुझे सिस्टर भूलना, अच्छा लग रहा है, कितने लोगों को अच्छा लग रहा है एक बार मुझे बताएं, लेकिन अभी मैंने अच्छा वाला शुरू नहीं किया है और सबसे अच्छा वाला बाहर सीडी में उपलब्ध है, ये कमर्शियल ब्रेक है, बाहर कुछ सीडी और किताबें हैं हमारी, और मैं तो खैर जैसा बताया नंदलाल जी ने, एक गरीब अनाथ बच्चों का कुछ काम करता हूँ, ट्रस्ट चलाता हूँ, पैसे मेरे घर नहीं जाते, ये जो है वो सब उसी ट्रस्ट में जाते हैं, उसी पैसे में, और जो लोग मुझे जानते हैं करीब से उन्हें ये काम भी पता है कि मैं ऐसा काम करता हूँ और बड़ी सच्चाई से करता हूँ, तो आप कुछ भी लेके जाएंगे तो ये लगेगा कि आपने उस चैरिटी में कुछ योगदान दिया है, और हंसी के लिए तो भाई आप अपने लिए लीजिए, दोस्तों के लिए लीजिए, सब कुछ आपके लिए है, हंसी बड़ी मुश्किल से आती है, दिल में ख्वाबों के ताजिए सजा के रखे हैं, दिल में ख्वाबों के ताजिए सजा के रखे हैं, ठहाके आपकी खातिर बचा के रखे हैं,
दिल में ख्वाबों के ताजिए सजा के रखे हैं, ठहाके आपकी खातिर बचा के रखे हैं, जी में आता है कि पूछूं हंसाने वालों से कि अपने आंसू कहां पर छुपा के रखे। मशीनें तक हंसाती हैं साहब, बस दृष्टि होनी चाहिए आपको कि हंसी कहां से मिल रही है। वे हमारे मित्र विदेश गए, अमेरिका गए, मशीन खरीद के लाए, झूठ बोलने पे थप्पड़ मारती थी, ऐसी मशीनें आ गई तमाम तरह की। पहले दिन ही बच्चे ने कहा पापा पेट में दर्द हो रहा है, स्कूल नहीं जाऊंगा, मशीन जाग गई, ऑटोमेटिक ऑन हो गई। बस मशीन ऑन हुई और उसने एक बच्चे को तलाक दिया। तो बाप ने समझाया कि बेटा झूठ नहीं बोलते हैं, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो कभी झूठ नहीं बोलता था। मशीन फिर ऑन हो गई, उसने उस बाप को कूट दिया जो लाया था। मशीन तो मशीन है। इतनी देर में मां बोल पड़ी, बोले आप पर ही गया है, बेटा किसका है। मशीन है। हर जगह हंसी है। मुझे ये जो कप रखे हैं कॉफी के, इससे भी हंसी दिखती है, इसमें भी है। सच बता रहा हूं आपको, एक हिंदुस्तानी आदमी, एक चाइनीज आदमी, एक अमेरिकन आदमी बैठ के कॉफी पी रहे रेस्टोरेंट में। तो अमेरिकन ने कॉफी पी के सीधा कप रख दिया, चाइनीज ने कॉफी पी के उल्टा कप रख दिया। तो हिंदुस्तानी ने सोचा अपन कुछ अलग डिजाइन बनाए, जब सॉफ्टवेयर बना सकते हैं तो डिजाइन तो बना ही सकते। तो उसने टेढ़ा करके रखा, ऐसे टिकाया, मुश्किल से टिका, लेकिन टिका दिया। तो दोनों ने देखा, बोले ये तुमने टेढ़ा क्यों रखा। तो उसने कहा पहले तुम बताओ तुमने सीधा क्यों रखा और तुमने उल्टा क्यों रखा, हम पहले क्यों बताएं। हिंदुस्तान का आदमी बहुत सोच समझ के काम करता है, जीनियस आदमी। तो अमेरिकन ने कहा भाई मुझे और कॉफी चाहिए, इसलिए मैंने सीधा रखा है। चाइनीज ने कहा मुझे और कॉफी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने उल्टा रख दिया है। अब बेटा तुम बताओ तुमने टेढ़ा क्यों रखा। लेकिन अब हिंदुस्तानी फंस गया। लेकिन अगर आदमी फंस जाए तो समझ लो हिंदुस्तानी है ही नहीं। सच बता रहा हूं, हिंदुस्तानी आदमी वो है जो हर मुश्किल से बाहर निकलना जानता है। अगले ने जो जवाब दिया उस पर हाथ उठे, अगर आपको गर्व हो हिंदुस्तानी होने पे, बोले बता बता तूने टेढ़ा क्यों रखा। हिंदुस्तानी ने जवाब दिया भैया इसलिए टेढ़ा रखा कि हो तो दे दो ना हो तो रहे। ये जो हो तो दे दो, अच्छे क्या बात है। जिनके हाथ हो ताली बजा दो, नहीं हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आनंद लो, क्योंकि शब्द है केवल, यही शब्द हैं जो आप तक जाते हैं और आपके भीतर से हंसी निकालते हैं। हम कोई एक्टिंग नहीं कर रहे, हम कोई आपकी गुदगुदी नहीं कर रहे, ऐसा कुछ बोलते हैं कि वहां बैठे आखिरी आदमी के पास हंसी आती है। ये शब्द की ताकत है, ये हिंदी की ताकत है, ये कविता की ताकत है। एक ताली बजी, अच्छी बात है, ताकत है हिंदी। कविता बड़ी चीज है, सरिता जी ने बहुत बढ़िया सुनाया, मधुब जी की माँ कविता है, बहुत श्रेष्ठ कविता है, गजेंद्र जी की देशभक्ति की कविताएं हैं। कविता बड़ी चीज है। लोग मुझसे कहते हैं ट्विटर आ गया, फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप आ गया, कविता कौन सुनता है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि आके अमेरिका में 10-12-15 हजार किलोमीटर दूर आकर डेलस में देखिए कि कविता कौन सुनता है। इस सम्मेलन को देखिए, जिसके आगे बड़े बड़े 5-स्टार होटलों के सम्मेलन, मैं समझता हूं कि इसके आगे कुछ नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन हुआ है आज। इतनी रिच ऑडियंस, इतने अच्छे लोगों जैसे लोग एक साथ कहीं जुड़ते नहीं बड़ी आसानी से। शादियों में इतने सजे धजे लोग नहीं मिलते नंदा, ऐसा लग रहा है आलोक जी देखो बिल्कुल, ये समझ लीजिए थोड़ा सा उम्र का असर है वरना दूल्हे यही लगते हैं। सच बता रहा हूं, इतनी सजी धजी स्थिति, मैं तो जब नीचे उतर के आया तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है कि किसी की बारात में आए, लेकिन सच में ये पूजा का काम है, आराधना का काम है। मैं मधुब जी हमारे अध्यक्ष हैं, मैं 10 पंक्तियां पहले मुझे ध्यान आ गई, मैं कविता की पैरवी करता हूं, जो लोग कविता के समझदार लोग हैं। और मैं 2 महीने भी आया था पिछले हिंदी के कार्यक्रमों में, अंतर्राष्ट्रीय कई शहरों में, 20-25 शहरों में। संजीव अग्रवाल जी बैठे हैं, हमारे जैन साहब बैठे हैं, हमारे धर्मपाल जी, सब शेर बहादुर जी, सब लोग ये बैठे हैं जिनके घरों का मैंने नमक खाया है, जिनके घरों से मुझे स्नेह मिला है। संगीता जी, बहुत लोग हैं, और ह्यूस्टन से बहुत लोग आए हैं। मैं इस मौके पर उन सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 2 महीने ये कमी नहीं महसूस होने दी कि हम कहीं घर से बाहर हैं। उनका जो स्नेह मिला, जो उनका प्रेम मिला, मैं उन तमाम लोगों
का जिनका मुझे स्नेह मिला है, मैं सब नाम संभव नहीं है लेने, लेकिन मैं यहाँ इस मंच से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वो बहुत बहुत प्यार से उन्होंने हमें रखा और बहुत प्यार से हमारा ख्याल रखा, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और कविता की पैरवी करते हुए 10 पंक्तियां सुनाता हूँ मधुक जी। कविता क्या है कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबाण से मारा था। कभी कोई कह दे कि कविता क्या देती है हमको, मैं बताता हूं क्या देती है। कि वो कविता थी जिसने गोरी को शब्दबाण से मारा था, वो कविता है जिसके स्वर में दिनकर जी ने हुंकारा था, वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है। क्या बात है, वाह वाह वाह, ओम जय जगदीश हरे, सब कविता ही है। वो कविता है जो मानस बनकर घर घर गाई जाती है, वो कविता है जिसको गाकर आरती सजाई जाती है, वो वंदे मातरम कविता थी सब गोरे आग बबूले थे, वो कविता है जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे, वो कविता है जिसको गाकर सेनानी फांसी झूले थे। ये कविता मंदिर में जाकर गाओ तो भजन बन जाती है, दरबारों में जाकर गाओ कविता चारण बन जाती है, रंगों के बीच अगर गाओ कविता होरी बन जाती है, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। क्या बात है, वाह वाह वाह, माँ का स्वर मिल जाता है तो कविता लोरी बन जाती है। मत पूछो कविता की उड़ान, दो पंक्तियां बताता हूं। लोकतंत्र में हिंदी का कविता का जितना सम्मान भारत में है, आपका ध्यान शायद न गया हो, मैं बताता हूं, समर्थन करें तो सब लोग करें। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है, कविता ही है जो सवा अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। क्या बात है, वाह वाह वाह, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता है जनगणमन अधिनायक जय हे, जिसकी धुन भी बजनी शुरू हो जाती है तो 125 करोड़ लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। ये कविता की ताकत है, ये कविता की शक्ति है। मत पूछो कविता की उड़ान, ये स्वाभिमान बन जाती है, कविता ही है जो 125 अरब का राष्ट्रगान बन जाती है। ये राष्ट्र कहीं ना सो जाए, रातों में जागा करते हैं, इसकी खुशहाली की खातिर हम मन्नत मांगा करते हैं, ये मीर कबीरा सूरा के वंशज इनका वंदन करिए और दोनों हाथ उठा करके हिंदी का अभिनंदन करिए। कविता का अभिनंदन हो, हिंदी का अभिनंदन हो। और मैं अंत में आपके मस्तक पर ठाकों का चंदन करने के लिए गीत पढ़ता हूं इस दौर में, और उसके बाद मैम गजेंद्र जी को सुनेंगे। शुद्ध हास्य का गीत है, मैं तनाव न लेता न देता, तनाव से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ये आलोक जी को अच्छी तरह पता है कि मैं तनाव से मुक्त रहता हूं, दूसरे को भी मुक्त रह। एक ऐसा गीत सुनाता हूं जो एक एक लाइन में आपको उसमें ठाके मिलेंगे और खूब सारी हंसी मिलेगी, आप मेरे साथ रहें। हालांकि मैं बहुत लाखों लोगों के सामने कविता पढ़ने का आदि हूं, इतने कम लोग मुझे बहुत कम मिलते हैं, कम नहीं बहुत सारे यहाँ के। हाँ हाँ, आप तो आप मेरी तो सुन लो, मैं तो यही कहने वाला था, अगर आप बोल दोगे तो मैं क्या बोलूंगा, मैं सच बता रहा हूं आपको। पहली चीज तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा हिंदुस्तान यहाँ बैठा है, अलग अलग प्रांत के लोग हैं, अलग अलग भाषा जात के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, एक लघु भारत हमारे सामने बैठा है। इतने सारे लोग होते हैं, कई बार भारत में बड़े कवि सम्मेलनों में 1,50,000 लोग, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम कौरवों के सामने कविताएं सुना रहे हैं। बहुत सारे होते हैं ना, कोई हुक्का पी रहा होता है, कोई जैसे उधर स्क्रीन देख रहे हैं, कोई उधर देख रहा होता है, कोई मूंगफली खा रहा होता है, ऐसे वातावरण में हमको कविताएं पढ़नी पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कौरवों के सामने पढ़ रहे हैं। लेकिन जब यहाँ सब लोग बहुत प्यार से सुन रहे हैं और दाद दे रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमें पांडवों के सामने कविताएं सुनने पड़ रहे हैं। बहुत अच्छा, इससे ज्यादा चमचागिरी मैं आपकी करनी। अब मैं शुरू करता हूं एक गीत जो ठाकों का गीत है, आपकी ताल का गीत है, आनंद का गीत है। कि देखो कुर्सी की बलिहारी यो जमाना बदला जाए, ये धारावाहिक गीत है, रोज इसमें छंद जुड़ते रहते हैं और कम होते हैं, जब तक सारे नहीं बजाएंगे मैं यही लाइन दोहराता रहूं। देखो कुर्सी की बलिहारी यो जमाना, आधी लाइन आप गाया करिए, पता तो चले कि आवाज निकल रही है कि नहीं। देखो कुर्सी की बलिहारी यो जमाना बदला जाए, कर दी खटिया खड़ी हमारी यो जमाना बदला जाए, धरना देते देते देखो सीएम बन गया मुन्ना दिल्ली, धरना देते देते देखो सीएम बन गया मुन्ना, अन्नारालेगढ़ में बैठे चूस रहे हैं गन्ना, अन्नारालेगढ़ में बैठे चूस रहे हैं गन्ना, सारे चेले हुए मदारी यो जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलि
बिहार में तो लालू जी का निकल गया दीवाला, बिहार में तो लालू जी का निकल गया दीवाला, नीतीश बाबू बन गए हैं बीजेपी के नंदलाल, नीतीश बाबू बन गए हैं बीजेपी के नंदलाला, रोए मीसा की महतारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जम, गाना है आपको, देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जम। जो लोग अभी भी हाथ बांध के बैठे हैं उनके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, जो नरताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी। अब बजाइए भाई साहब। जो नर ताली नहीं पीटते उनको पीटे नारी, जो ज्यादा ताली पीटेगा हम होंगे या भारी, पीटो शर्मा और तिवारी ओ जमा, देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए, सब कवियों की इच्छा श्रोता ताली खूब बजाए, सब कवियों की इच्छा सोता ताली खूब बजाए, और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो अच्छे लोग, भारत में ऐसा होता है कि और लिफाफा दिए बिना संयोजक खिसक न जाए, कवि से गर्द हमें भिखारी ओ जमाना बदला जाए, देखो गुर्जर की बलियारी ओ जम। कुछ लोग बीच में उठ उठ के गए किसी खाने पीने के चक्कर में, अब कोई उठे मेरे बीच में तो ये पंक्तियां सुनकर जाने की हिम्मत कर सके तो मैं उसकी हिम्मत देखना चाहता हूं कि मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठकर जाए, मेरी कविता सुने बिना जो बीच में उठकर जाए, राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए, कि राम करे वो अपने घर में घुसा पड़ोसी पाए, डूबे उनकी लुटिया थारी ओ जमाना, देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए, 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले अकेले अकेले, 45 के होकर राहुल गांधी फिरे अकेले, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के जेल, और दिग्विजय अंकल निकले आसाराम के चेले, लगी बुढ़ापे में बीमारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की बलियारी, बापू आसाराम सोचते राधे माँ आ जाए, सबकी अपनी इच्छा है कि बापू आसाराम छोड़ सोचते राधे माँ आ जाए, बाबा राम रहीम जेल में हनी हनी चिल्लाए, बाबा राम रहीम जेल में हनी हनी चिल्लाए, डेरा निकला बंटा धारी ओ जमाना बदला जाए, देखो कुर्सी की गाइए मजा लीजिए, देखो कुर्सी की बलिहारी ओ जमाना बदला जाए। मुझे जब पद्मश्री मिली सम्मान मिला तो उस समय सम्मान वापसी का दौर शुरू हो गया, लोगों ने वापस करके शुरू कर दिया, तो मेरे कुछ दुष्ट किस्म के मित्रों ने मुझे भी भड़काने की कोशिश की कि तुम भी वापस कर दो, हाँ तो मैंने कहा मुझे जुगाड़ से थोड़ी मिला है, मैं क्यों वापस कर सकता, लेकिन मैंने जो जवाब दिया उस जवाब पर आपका समर्थन चाहता हूं, सबका सबका, अभी भी मुझे मजा नहीं आ रहा है, आएगा थोड़ी देर, मैं सबको बिल्कुल रंग दूंगा अपने रंग में, आप निश्चिंत रहे, टाइम थोड़ा कम है क्योंकि 2-3 घंटे में तो मेरा गला खुलता है, संजीव जी थोड़ा टाइम कम है मेरे, मैं फिर सुनाता हूँ आपको, मैंने जो तरीका निकाला कि एक लेखक बोला कि तुम भी पुरस्कार लौटा दो, जीनियस उत्तर लगे नंदलाल जी तो बताना, एक लेखक बोला कि तुम भी पुरस्कार लौटा दो, मैं बोला कि जो लौटे हैं सब मुझको दिलवा दो, मैं बोला कि जो लौटे हैं सब मुझको दिलवा दो, खाली है पूरी अलमारी ओ जमाना, देखो गुर्जर की बलियारी ओ जमाना बदला जाए, कर दी कटिया खड़ी हमारी ओ जमाना बदला जाए। जब जब मैं सुरेंद्र दुबे जी को देखता हूं ये पंक्ति मुझे याद आती है कि मोदी और ट्रंप का दुनिया में फैला हंगामा, मोदी और ट्रंप का फैला दुनिया में हंगामा, लेकिन आज हमारे संग में बैठे हैं ओबामा।
लेकिन आज हमारे संग में बैठे हैं ओबामा, इनकी है कविता से यारी। आपकी आवाज निकलनी चाहिए। देखो कुर्सी की बलिहारी, ओ जमाना बदला जाए। मोदी जी ने नोटबंदी की, बड़ी हिम्मत का काम था। मैं उससे बड़ी हिम्मत का काम बताना चाहता हूं। आपको लगे कि वो होना चाहिए तो समर्थन करिएगा कि मोदी जी फिर नोट के बंदी सी हिम्मत दिखला दो। मोदी जी फिर नोट के बंदी सी हिम्मत दिखला दो। कश्मीर से धारा 370 ही हटवा दो। हाथ उठा के समर्थन करें जो लोग चाहते हैं। मैं एक मिशन की बात कर रहा हूं जो भारत के लिए जरूरी है कि मोदी जी फिर नोट के बंदी से हिम्मत दिखला दो। कश्मीर से धारा 370 ही हटवा दो। पड़ जाओ दुश्मन पर भारी, ओ जमाना बदला। और अगर ये नहीं कर पाओ तो दूसरा तरीका भी मैं बताता हूं जो काफी आसान है कि मोदी जी फिर नोट। और दूसरा तरीका भी आपको अच्छा लगेगा कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदाबाद करा दो। पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदाबाद करा दो। मोदी राहुल की शादी इस्लामाबाद करा दो। बड़ा आसान था। अच्छे क्या बात है बाबा। आप क्या सोच रहे हो कि ये जो साफे बनाए गए हैं ये उसी बारात की तैयारी है कि पाकिस्तान में सबकी ताकत, पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदाबाद करा दो। पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, रिश्ता जुड़ना चाहिए। पाकिस्तान कोई गोला बारूद खर्ची नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जिंदाबाद करा दो। मोदी राहुल की शादी इस्लामाबाद करा दो। खुश हो जाएंगे जरदारी, ओ जमाना बदला जाए। देखो जरदारी, ओ जमाना बदला। जिस मन से आपने सुना है, मैं दो बंद और पढ़ता हूं अंतिम कि लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका। पूरे अमेरिका में गया हूं, डेलस जब जब आता हूं मुझे मेरे भीतर एक अलग ऊर्जा आ जाती है कि लंदन देखा, पेरिस देखा, देख लिया अमेरिका। मगर आज डेलस के आगे सब कुछ लागा फीका। अपने लिए बजा दो तारी, ओ जमाना। मगर आज डेलस के आगे सब कुछ लागा फीका। अपने लिए बजा दो तारी, ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना बदला जाए। भारत विश्व गुरु बन जाए ऐसी अलख जगा दो। भारत विश्व गुरु बन जाए ऐसी अलख जगा दो। भारतवंशी हाथ उठाकर ताल से ताल मिला दो, कर लो। भारत विश्व गुरु बन जाए ऐसी अलख जगा दो। भारतवंशी हाथ उठाकर ताल से ताल मिला दो। कर डालो पूरी तैयारी, ओ जमाना बदला जाए। देखो कुर्सी की बलियारी, ओ जमाना। हाथ तो आपके असली हाथ तो छोड़ो, प्लास्टिक वाले हाथ भी थक चुके हैं लेकिन सच में बड़ा अद्भुत और बहुत स्मरणीय कार्यक्रम किया है आपने। और जो दूसरे दौर में लोग बचते हैं वही असली लोग होते हैं। क्या बात है बाबा। जो थोड़ा हंसने, थोड़ा तमाशा देखने, व्यवस्था देखने या खाने पीने वाले हैं वो सब निकल गए अब जो बचे हैं वो सब अच्छे लोग हैं। विनय जी और हमारे धर्मपाल जी सब लोग बड़े, ये पूरी की पूरी ह्यूस्टन की टीम बैठी है। चार्ली बाबू और स्वप्निल जी, संगीता जी, अरुण जी, हमारे डॉक्टर साहब, सब लोग पूरी सब तरफ मुझे पहचाने पहचाने लोग रख रहे हैं। तभी मैं सोच रहा था कि सीढ़ियां इतनी कम क्यों बिक रही नहीं मैं मजाक, ये सब हंसी की बात है। सतीश जी बैठे हैं लेकिन ये सब लोग हैं जिनका इसने मुझे मिला है। शब्दों से ही हाथ से निकालना होता है, कुछ ऐसा कहना होता है कि आपके होठों पे हंसी आए। लेकिन बहुत धीर गंभीर शायरी कर दी सरिता जी ने भी, और लगभग 40 मिनट पढ़ने के बाद मुझसे कहा कि 5 मिनट में खत्म करो, फ्लाइट पकड़नी तो मैं 5 तो नहीं, मैं तो सवेरे 5 बजे तक पढ़ने के मूड में फ्लाइट तो कल भी जाती होगी। मैं कोशिश करता हूँ
कविता के ढेर सारे रंग मेरे पास भी हैं, बहुत सारे कलर्स ऑफ पोएट्री। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं केवल हंसाऊं या मैं रंग दिखाऊं। हाँ, कुछ हंसना चाहते हैं, कुछ शायरी सुनना चाहते हैं, सुनाओ जैसा आपका मन हो। मैं सबकी मांग भरने की कोशिश करता हूँ। सबकी मांग भरने की कोशिश करता हूँ। हम हंसते हंसते विदा लेंगे, लेकिन फिलहाल मैं शायरी जहाँ से खत्म की हमारे पंकज भाई ने, मैं शुरू करता हूँ। शायरी में वाह वाह करनी होती है, वाह 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 क्या कह दिया है, भले कुछ न कहा हो लेकिन वाह वाह तो जरूरी है। वाह वाह तो जैसे हवन करते हैं ना, तो बाद में स्वाहा बोलते हैं। मंत्र थोड़ी अपन को याद होते हैं, पंडित जी ने कहा स्वाहा तो स्वाहा कर दिया, तो वाह वाह स्वाहा है। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, वाह लगे कि पहुंच रही है। और जो लोग चले गए अब उनकी वाह वाह तालियों की जिम्मेदारी भी आपके ही कंधों पे है। कि हमारे हाथ में जो फूल है पत्थर न हो जाए, मोहल्ले की किसी बेवा का दामन तर न हो जाए, दरख्तों को अगर काटो इजाजत लो परिंदों से, कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो। क्या बात है, वाह वाह, कि अपना घर बनाने में। जो लोग हाथ बंधे हैं, क्यों बंधे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर बैठे हैं तो फिर बैठिए मन से। कि अपना घर बनाने में कोई बेघर न हो जाए, एक शेर पहुंचाता हूं, एक कथा आप तक और आपके पिता की यादों तक आपको ले चलता हूं एक पंक्ति से। कि समंदर मां की ममता की भी गहराई न छू पाया। क्या बात है, वाह वाह, ये भी मेरा रंग है जिसका मौका कम मिलता है, बदनाम हूं थोड़ा हंसाने के लिए। कि समंदर मां की ममता की भी गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की गहराई न छू पाया, हजारों छंद लिख तुलसी की चौपाई न छू पाया, मुझे बचपन में पापा ने छुआई थी जो कांधों से, जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न। ऐसा अभी भी लगता है कि जिन कंधों पर हमने बैठकर बचपन गुजारा है वो कंधे उस जहाजों से, उस आसमान की ऊंचाई से कहीं बड़े ऊंचे थे। कि जहाजों से भी उड़कर मैं वो ऊंचाई न छू पाया। ईश्वर कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, भगवान कहाँ है, सब धर्म अपनी अपनी व्याख्या करते हैं। इस फकीर, इस कलमकार की भी एक पता आप तक पहुंचाता हूं। कि जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है, जिसे ख्वाबों में पाना हो वो सो जाने से मिलता है, मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है। क्या बात है, मेरा चेहरा शहर के, जागना सबके हाथ। कि मेरा चेहरा शहर के एक दीवाने से मिलता है, वो जिसको ढूंढते फिरते हैं मंदिर और मस्जिद में, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है, वो खोजे से नहीं मिलता है, खो जाने से मिलता है। चार पंक्तियां और कहता हूं। कविता समाज सुधार का भी काम करती है, इस तरह की भी बहुत सारी पंक्तियां मैंने कही हैं। एक बानगी के तौर पे चार पंक्तियां कहता हूं। कि निवेदन है किसी इंसान का कल्याण कर देना, निवेदन है किसी इंसान का कल्याण कर देना, है जिसकी जिंदगी अभिशाप वो वरदान कर देना, अगर हसरत है अपने बाद भी संसार को देखो तो सांसें बंद हो जाने पे आंखें दान कर देना। तो सांसें, ये मिशन है जो नेत्रदान, तमाम तरह के मिशन जो हमें करने चाहिए, एक संदेश भी। तो सांसें बंद हो जाने पे आंखें दान कर देना। और चार पंक्तियां कहता हूं। सरिता जी ने भ्रूण हत्या पे बहुत अच्छी कविता लिखी है, मैं एक पंक्ति में तमाम सरकारें जो कहती हैं कन्या धन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक पंक्ति में मैं भ्रूण हत्या के खिलाफ बोलता हूं।
कि वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने कैमरे से जिंदगी के सीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है, वो अपने चाहने वालों के दुखड़े बीन लेता है। कभी भूले से बेटी गर्भ में तुम मार मत देना, वो बेटी मारने वालों से बेटा छीन लेता है, मारने वालों से बेटा मारने। और ये जो हमारा संगम है, ये जो मिलन है, उसके नाम कहता हूं, कहीं आप कि तुम्हारे संग पल बीते वो जिंदाबाद हो जाए। क्या बात है, बहुत बहुत सारी शायरी की तरह से एकदम, कि हमारी आंख में जो ख्वाब है आबाद हो जाए। शहर से शायरी कैसे निकलती है वो बताता हूं, कि हमारी आंख में जो ख्वाब है आबाद हो जाए, जो पल बीते तुम्हारे संग जिंदाबाद हो जाए, जो पल बीते तुम्हारे संग जिंदाबाद हो जाए। अगर एक बार तुम मुझसे मोहब्बत से गले मिल लो, तो हम दोनों बने संगम इलाहाबाद हो जाए। तो हम दोनों बने संगम इलाहाबाद। शहर से भी शायरी निकलती है, बहुत सारे रंग है कविता के। एक रंग मैंने ये भी कहा जब मैंने वो बच्चों की संस्था शुरू की, वो भी एक संवेदना का रंग है। एक एक टुकड़ा सुनाता हूं। स्वागत 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 सर। कई बार हम मंदिर जाने के राह में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं, जो मंदिर जाने से ज्यादा जरूरी होते हैं, उन कामों की याद में कहीं दिलाई है। एक दो बंद आपको सुनाता हूं, अलग फ्लेवर की करता। स्वागत स्वागत बहुत अच्छा। ईश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, कि कहा है मुझसे ईश्वर ने, स्वीकार करना तो पूरे मन से, मरती हुई संवेदनाओं को जीवित रखने का काम कभी होता है। बहुत अच्छा। मुल्ला ने गीता पढ़ी तो सबको सदमा हो गया, हम गए मस्जिद तो हम पर भी मुकदमा हो गया, नफरतों के दौर में चौपाए भी बांटे गए, गाय हिंदू हो गई बकरा मुसलमान, और उनको पता ही नहीं कि वो क्या हो गई। तो ये जो नफरतों का दौर है, जो संवेदनहीनता का दौर है, कि एक्सीडेंट होता है सड़क पर और हम लोग आते हैं उसका मोबाइल उठा के भाग जाते हैं, पर्स निकाल के भाग जाते हैं, उनसे संवेदनाओं को जीवित करने का नाम, बचाए रखने का नाम करता है। मैं कहीं संवेदनाओं तक पहुंचू तो मुझे बताना, कि कहा है मुझसे ईश्वर ने, कि सबको जाके बतलाना, कहा है मुझसे ईश्वर ने, कि सबको जाके बतलाना, मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना। क्या बात है। मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना, तुम्हारे घर के पीछे ही मलिन सी एक बस्ती है, जहाँ पर जिंदगी महंगी है लेकिन मौत सस्ती है। तुम्हारे घर के पीछे ही मलिन सी एक बस्ती है, जहाँ पर जिंदगी महंगी है लेकिन मौत सस्ती है, वहीं पर एक बेवा दाने दाने को तरसती है, जो भूखी रात को सोए तो इंसानों पे हंसती है। उसी के पास बैठा हूँ, जो फुर्सत हो तो आ जाना, अगर मुझसे मोहब्बत है गले उसको लगा जाना, कि जो प्रसाद लाए हो उसे आकर खिला जाना। मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना, मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना। एक और दृश्य दिखाता हूँ, लंबी कविता है। एक दृश्य एक पानगियां दे रहा हूं, कि शहर का बीच चौराहा जहां शोरूम होते हैं, जहां फुटपाथ पर थक करके रिक्शे वाले सोते हैं, वहीं स्कूल के बाजू में पंडित जी का होटल है, कई बच्चे शहीदों के वहां का प्लेट धोते हैं, उन्हीं के साथ बैठा हूं, जो फुर्सत हो तो आ जाना, अगर मुझसे मोहब्बत है गले उनको लगा जाना, किताबें देख उंगली थाम के स्कूल ले जाना। मैं मंदिर में नहीं हूँ आज मंदिर में नहीं आना, प्रभाव अच्छा मंदिर में नहीं आना, मैं मंदिर में नहीं हूँ। बड़ी लंबी कविता के कुछ अंश थे, जो बहुत सारी चीजें हमसे बातें करना चाहती हैं और हम उनको सुन नहीं पाते, तो ये संवेदनाएं जीवित बची रहे, इसको कोशिश भी कविता को करनी है, हमें भी करनी है। लेकिन मैं थोड़ा सा बरताव हूं कि मैं हंसाने वाला कवि हूं, तो
चार पंक्तियां मैं दूसरे जन पे आता हूँ, बहुत गंभीर स्वागत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ऊंचाई में कविता को लेकर आपसे एक बार जोरदार तालियां आपके लिए, बहुत श्रेष्ठ। मुकद्दर में किसी के हूरे और अंगूर होते हैं, क्या बात है, वाह वाह वाह, कि मुकद्दर में किसी के हूरे और अंगूर होते हैं, हमारे पाप रोटी के भी चकना चूर होते हैं, हमारे पाप रोटी के भी चकना चूर होते हैं, जवासर हद पे गोली खा के भी गुमनाम रहते हैं, सियासतदार जूते खा के भी मशहूर मशहूर होते हैं। और ये नई उम्र के लड़कों का संकट क्या है कि मेरी चाहत की लाइन पर ये सेटिंग कौन करता है, उनका जो दर्द है कि मेरी चाहत की लाइन पर ये सेटिंग कौन करता है, मेरी बालों पे ये छुप छुप के बैटिंग कौन करता है, तुम अपने फोन का रिचार्ज जब मुझसे कराती हो तो आधी रात को तुमसे ये चैटिंग कौन करता है, आधी रात को। या मेरे स्वप्निल बाबू है, देखो इतनी शानदार जैकेट खुद नहीं केवल पहनते, हमें भी पहनाते, सच में बता रहा हूँ, हर बार स्वप्निल जी लाते हैं एक दो बढ़िया सुंदर सी जैकेट कवियों को दे के, हो सकता है गजेंद्र जी ने जो पहन रखी हो मैं तो आज मुझे भी दी उन्होंने, लेकिन मैंने कहा कि कहीं वापस ना मांग ले बीच में तो मैं अपना कोट पहन के आया। चार पंक्तियां और सुनाता हूँ। मोदी जी ने नोटबंदी की, उस नोटबंदी से भी हास्य, मैंने कहा जी हर घटना से हास्य, हर जगह से हास्य निकाल सकता हूं। मोदी जी की नोटबंदी से हास्य कि मर्दों के लिए मोदी जी एक थीम निकालो, आदमी थोड़ी बचा दो, मर्दों के लिए मोदी जी की थीम निकालो, मीठा तो बहुत हो चुका नमकीन निकालो, अच्छा किया जो नोट बदल डाले आपने, बीबी को बदलने की भी बीबी को बदलने की भी। जब मोदी जी की सरकार बनी तो मैंने एक हास्य गीत की, देखो मोदी जी जैसे गरिमामान व्यक्तित्व से, ऐसे व्यक्तित्व से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने लोकप्रिय हैं, उनसे हंसी निकालना बड़ा कठिन काम है, भक्त इतने हैं कि वो नाराज हो सकते हैं। दुबे जी ने ऐसी कविता सुनाई, मुझे उससे भी हंसी निकला। दुबे जी ने सुनाया कि वो मल्लिका शेरावत थोड़ी देर के लिए बाबा रामदेव जी से योग सीखने गई और स्वामी रामदेव जी की एक आंख खुल नहीं रही, तो मैंने दुबे जी को आगाह किया, मैंने कहा ये बात अगर उनके पक्के भक्तों ने सुन ली तो तुम्हारी दोनों आंखें नहीं खुली। एक छोटा सा गीत मोदी जी पर और फिर क्लोज करता हूं कि कांग्रेस का तो हो गया बंटा थार रसिया, रुकी उतनी सीटें भी नहीं आई कांग्रेस की, कितने राजनीति के बच्चे चुनाव के रिजल्ट आने के बाद राहुल शनि ने राहुल गांधी को पत्र लिखा, फ्रेंड रिक्वेस्ट दे दी, बोले इतना नुकसान तो हम भी किसी का नहीं करता, ये कांग्रेस का तो हो गया हो गया हो गया हो कई राज्यों में हुआ, कांग्रेस का तो हो गया बंटा थार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया जोर तार रसिया, कांग्रेस के लोगों को खाली नहीं बजा रहे, अगर कांग्रेस से जुड़े हो तो थोड़ी देर को सीखा देंगे, हाथ को खाली बजा दो फिर जॉइन कर लेंगे, कांग्रेस के लोगों को बोया वो फोगो, राहुल बाबा चिन्हन खाओ बैठ देखो फोगो, राहुल बाबा चिन्हन खाओ बैठ के देखो फोगो, कलमानी है राजा बज गया सबका बाजा, चिदम्बरम से कहे सोनिया दिल्ली डांस दिखा जा, कमजोर पड़ रहे चिदम्बरम से कहे सोनिया दिल्ली डांस दिखा जा, तुम्हें भी हो गया मोनी सरदार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया जोरदार रसिया, सोच रहे हैं अन्ना सूख के हो गए कन्ना, मुझको धरने पर बैठा कर
सीएम बन गया मुन्ना, खुशी स्मृति ईरानी, रोए सोनिया रानी, ऐसी चाल चली कि सारे हो गए पानी पानी, जोशी अडवाणी को भेज दिया हरिद्वार, रसिया देवो मोदी ने बनाई सरकार, रसिया इलाना लो कांग्रेस का तो हो गया बनता थार, रसिया देखो मोदी ने बना ली सर, रसिया जोरदार रसिया, जे गुजराती खाया ऐसा गाँव चलाया, जापानी को पीता देकर बुलेट ले, जापानी को हो सकता है खाली दे आयो लिफ्ट मिले, जापानी को पीता देकर बुलेट ले आया, घबराए ओबामा बन ना जाए सुदामा, ऐसा ना हो पैंट उतार के पहना दे पजामा, रुपया डॉलर पर हो जाए ना सवार, रसिया देखो मोदी ने बना ली सर, रसिया जोरदार रसिया, खरी चीन की खटिया धूप न जाए रुपया, आक्रमण करने की सोच रहा था ओखलाऊ में, इसलिए हमला नहीं किया कि ऐसा ना हो कि इधर हमला कर रहे हो उधर अमित शाह जाके हमारी सरकार ही पलट गया, कि खड़ी चीन की घटिया बिहार का गठबंधन तोड़वाया तो बहुत लोगों ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी कि भाई शादी वाला भी तोड़वाते हो कि खड़ी चीन की घटिया डूब न जाए लुटिया, जो तो सब है चंगू मंगू होती है छह छुटिया, विजुअल को वो तो सब है चंगू मंगू मोदी है छठिया, मियां बिलावल लल्लू मेरे कान में हम बहन को पूरा कश्मीर चाहिए, मैं जवाब देता हूँ आपकी तरफ कि मियां बिलावल लल्लू हमें न समझो उल्लू, कश्मीर की जगह मिलेगा बाबा जी का चिल्लू, कश्मीर की जगह मिलेगा बाबा जी का चिल्लू, शेरों के आगे है भाव 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 बेकार, रसिया देखो मोदी ने बना ली सरकार, रसिया जोरदार रसिया, अमरीका था चीजा नहीं दिया था बीजा, अब कहता है जीजा जीजा कर खा जाओ पीजा, अब कहता है जीजा जीजा कर खा जाओ पीजा, रामदेव की माया ऐसा पेट घुमाया, पेट घुमा कर कांग्रेस का तो कर दिया सफाया, रहे स्वदेशी का प्रचार रसिया, और बेच रहे बंधन अचार रसिया, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया, अंतिम मंत्र पढ़ता हूँ, गायत्री और गैया कहती गंगा मैया, अब तो जागो भारत माता करती गैया दैया, अब तो जागो 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 अब तो जागो, भारत माता करती दैया दैया, हो गए गाल गुलाबी मिल गई देश की चाबी, जनता कहती मोदी भैया घर ले आओ भाभी, एक छोटा मोदी कर दो तैयार रसिया, एक छोटा मोदी कर दो तैयार रसिया, वरना लालू जी से ले लो इकतार रसिया, देखो मोदी ने बढ़ा भाग, देखो मोदी ने बना ली सरकार रसिया जोरदार रसिया, कांग्रेस का तो हो गया हो गया हो गया हो गया। मैं आखिरी छह लाइन यही से बोल, अभी अभी मैंने मंच पे नई कविता का एक मुखड़ा लिखा है, नई कविता का एक मुखड़ा सुनाता हूँ जो मैंने मंच पे लिखा है, यो नीली छतरी वाले, दुआएं हैं पूरा हिंदुस्तान करे, कि ओ नीली छतरी वाले इस दुनिया के रखवाले, ओ नीली छतरी वाले इस दुनिया के रखवाले, करना है इतना कर दे खुशियों से छोली भर दे, दुनिया में सम्मान रहे जनगण मन का दान रहे, होठों पर मुस्कान रहे और दिल में हिंदुस्तान रहे, ओ नीली छतरी वाले इस दुनिया के रखवाले।